कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आप देख सकते हैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो फीडबैक दिया है वो नेगेटिव यहाँ पर दिया है, और यहाँ इनपुट हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो इधर अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग। हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी हो, इस टाइप का केस है, तो जैसे हमने वहाँ पर डिराइव किया था उसी तरीके से आप इसे डिराइव कर लीजिए, यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 वोल्ट है, ये VA है, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पर होगी, तो VA बाय कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड लग जाएगा जब ये नेगेटिव फीडबैक जो सिस्टम होगा उसमें आप वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा सकते हैं। VA इज इक्वल टू 2 वोल्ट सिंपली, ठीक है। यहाँ पर मैंने करंट मान लिया I1 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर जो करंट है वो IF है। अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि हमने ओप एम्प को आइडियल माना है। नाउ अप्लाई KCL एट नोड ए, नोड ए हमने मान लिया, इस पर KCL अप्लाई किया तो I1 इज इक्वल टू आएगा IF। I1 इक्वल निकाल सकते हैं आप 3 माइनस VA अपॉन 2 रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू IF VA माइनस V0 अपॉन 4। वैल्यूज पुट कर दीजिए, VA की वैल्यू 2 वोल्ट है, 3 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस V0 अपॉन 4। 3 माइनस 2 हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू, और 4 इधर हम लाए तो 4/2 इक्वल 2 माइनस V0। बेसिकली यहाँ से V0 जो आएगा विच कम्स टू 0। अब यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप इसमें देखते ये इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है, डिफरेंशियल है, क्या है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते। सिंपल आपने मेथड अप्लाई किया और क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, आउटपुट आ गया 0 वोल्ट। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसे थोड़ा बड़ा है, देखिए इन द सर्किट शोन आउटपुट वोल्टेज विल बी, आपको आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पर 2 ओपेम हमने यूज किए हैं, 2 ओपेम्स हैं। पहला ओपेम अगर आप देखें तो कौन से मोड में यूज़ किया है, बिकॉज आप पॉजिटिव पर अप्लाई कर रहे हो तो ये नॉन इन्वर्टिंग मोड में अप्लाई किया है, तो यहाँ पर एक आउटपुट आएगा, उसे मैंने मान लिया V01। उसके बाद यहाँ पर भी इनपुट दिया है, यहाँ पर इनपुट दिया है, तो ये कुछ डिफरेंस है मोड में हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सिंपल जो मेथड आता है उसे यूज़ करूँगा। यहाँ तक मैं V01 में निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो V01 इज इक्वल टू क्या होगा आपको पता है, अगर मैं इसे सपोज RF मान लेता, वैसे R1 मान लेता, क्योंकि ये फीडबैक हो रहा है तो RF हो गया, ये R1 हो गया, तो क्या होता है 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू VI, ये होता है, क्या हो जाएगा 1 प्लस RF, RF की वैल्यू 4/2 इंटू VI है 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 वोल्ट आ गया। तो यहाँ आपने वोल्टेज निकाल लिया 6 वोल्ट, V01 आ चुका है 6 वोल्ट। अब नेक्स्ट इस ओपन में आते हैं हम, यहाँ पर 1 वोल्ट दिया हुआ है, या मैंने सपोज VA कंसीडर कर लिया, तो कोई कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक है सिस्टम, आप देखें तो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड VA इज इक्वल टू कितना होगा, VA 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। अब यहाँ पर हम जो करंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ पर सपोज मैंने कह दिया I1 है और यहाँ पर IF है, अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। अप्लाई KCL एट नोड ए, इसे आपने नोड ए बोल दिया, नोड ए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका
आई वन इज इक्वल टू आई एफ, जो करंट आ रहा है बराबर होगा जो करंट जा रहा है, तो आई वन इक्वल टू आई एफ। आई वन आप लिख सकते हैं वी नॉट वन माइनस वी ए अपॉन फोर, वैल्यू दी हुई हमें, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट अपॉन एट। वी ए की वैल्यू आपको मालूम है 1 वोल्ट है, जस्ट पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करिए, तो वी नॉट वन, वी नॉट वन की वैल्यू आपको पता है 6 वोल्ट है, तो 6 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू वी ए 1 है, 1 माइनस वी नॉट बाई एट ये हो गया, इसे हम काट देंगे, 1 हो गया, ये 2 टाइम्स या 5 into 2 इज इक्वल टू 1 माइनस वी नॉट, तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा -9 वोल्ट, ये आंसर हो गया। सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, देखने में क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, काफी बड़ा भी लग रहा था, 2 ओपम है कैसे होगा, लेकिन आपने सिंपल अप्रोच से सॉल्व किया तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाए। इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू।